अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नोश विद हिरा। आज हम बना रहे हैं चिकन क्रीमी कबाब, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हमने ऑयल ऐड किया है 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक बारीक कटिंग करके। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून मैदा। मैदा हमारा अच्छा सा भुन जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन स्टॉक। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन स्टॉक 1 कप। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन 1 कप श्रेड किया हुआ। नमक हसबे जायका, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, फ्रेश लाल मिर्च 1 टीस्पून बारीक कटिंग की हुई, हरा धनिया 2 टेबल स्पून, पुदीना 2 टेबल स्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून। ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छा सा मिक्सअप करेंगे। और अब हम चूल्हा ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम 2 टेबल स्पून। हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम अवेलेबल है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास पैकेट की क्रीम अवेलेबल है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे जैसे ये बिल्कुल सेट हो जाए। अब हम हाथों को अच्छी तरीके से ग्रीस करके कबाब बनाते जाएंगे। मैं गोल शेप में बना रही हूँ, अगर आप कोई और शेप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। अब हम इसको ब्रेड क्रम्स में फोल्ड करेंगे। अंडा यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सारे कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। हल्का सा पैन में मैंने ऑयल ऐड किया है, ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए। अब हम इनको फ्राई करते जाएंगे। हम कबाब को स्लो हीट पे फ्राई करेंगे। हमारे चिकन क्रीमी कबाब रेडी हो चुके हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।